हम हमेशा आपस में इस चीज का तذکرہ करते थे और सोचते थे कि किस तरह ये इजारादारियां तोड़ी जाएं। आज मैं अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने हमें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि शायद हम अपने मकसद में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होने जा रहे हैं। कान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर इस तहसील में इस जिले में डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसमें किसी पार्टी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि अगर किसी पार्टी का कसूर होता तो सुरगोदे में भी डेवलपमेंट ना होती, मंडी बाउलदीन में भी ना होती, चकवाल में भी ना होती। ये यहां के नुमाइंदों की नाइली थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी नेचर में किसी का नाम लेके तनकीद करना नहीं है, लेकिन आज जिस तकलीफ और करब से हम गुजर रहे हैं उसके जिम्मेदार ये नुमाइंदे हैं कि नहीं, सब बोलकर बताएं। आप घर में एक मुलाजम रखते हैं ना, उसको तनख्वाह भी देते हैं, और अगर वो काम ना करे तो उसे निकाल देते हैं या बिठाकर तनख्वाह देते रहते हैं। तो ऐसे नुमाइंदों को भी निकाल देना चाहिए ना, जो आपके काम ना करे, आपकी इज्जत ना करे, आपके तहफ्फुज़ ना कर सके। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम लोग आप में से हैं, हम आवाम में से हैं, हमारे घरों के दरवाजे वो मेरे घर का दरवाजा हो या कर्नल जाहिद शराई साहब के घर का दरवाजा हो या इवन राजा तकी के घर का दरवाजा हो, वो हमेशा आपके लिए खुला रहा है। तो हमें उस दरवाजे पे जाने की जरूरत क्या है जो हमें आगे से बंद मिलना है? हमें उस टेलीफोन पे फोन करने की जरूरत क्या है जो आगे से अटेंड नहीं होना? लिहाजा मेरे बुजुर्गों भाइयों, जिन्होंने आपका फोन अटेंड नहीं किया उन्होंने आपकी तस्दीक की है, जिनके आप घर गए हैं वो आपको मिले नहीं उन्होंने आपकी तस्दीक की है। आइंदा ऐसे लोगों को वही सलूक आपने करना है जो उन्होंने आपके साथ किया। बुजुर्गों भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, आपसे आपका जोश और जज्बा देख के आज दिल तो करता था कि लंबी बात करूं, लेकिन अभी बड़े वक्त आएंगे, बड़ी महफिलें सजेंगी, तो मैं असल बात की तरफ आता हूं कि जिस बात के लिए आज इकट्ठे हुए। हमने इस मुल्क में सारे तजर्बे करके देख लिए, लेकिन इस मुल्क में अगर तरक्की हुई है तो नवाज शरीफ के दौर में हुई। पीपल पार्टी का दौर आपके सामने, और ये जो पिछला 3.5 साल वाला आया था इसका दौर भी आपके सामने। तो इस मुल्क के लिए, उस मेमारे वतन को, उस मौसने वतन को, वो वापस आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए हम सबको जाना है, और हमें यह साबित करना है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क का मौसन है, जो इस मुल्क का मेहमान है, जिसने हमें ये मोटरवे दी, जिसने हमें अस्पताल दिए, जिसने हमारे लिए काम किया। हम उस लीडर के लिए खड़े भी होंगे, मरेंगे भी, लड़ेंगे भी।
तो इसलिए 21 तारीख को कंस साहब के साथ हमारा प्लान तय है, हम अपना जुलूस पिंडदान खान से लेके आएंगे। और भी हमारे दोस्त हैं जिनके जुलूस आने हैं। मुझसे किसी ने कल सवाल पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उसे जवाब दिया कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारे जा रहे हैं। जिन सड़कों पे हमने धक्के खाए हैं, जहां हमारे भाइयों को स्कूलों में टीचर नहीं मिले, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिले, ये सारी सहूलतें हम चाहते हैं कि कल जो हमारी आने वाली नस्ल है उसे मिले। तो इसलिए 21 तारीख को मैं उधर से जुलूस लेके आऊंगा, कंस साहब यहां से आएंगे, हम यहां टोबा के मुकाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, आगे हम हमारा सफर इकट्ठे गुजरेगा। मैं आप लोगों की गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, कोई किसी और आपके जुलूस के साथ जाऊंगा, कंस साहब भी और मैं भी वहां पंडाल में आपके साथ बैठेंगे, चाहे हमें जमीन पे कोई बैठाए, हम जमीन पे बैठेंगे, आपके साथ ही वापस आएंगे। इसलिए आप लोगों ने उस दिन हमारे साथ चलना है, कोई ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, कोई किसी इंतजामी कोई मसला नहीं है, सारे इंतजामात हम और कर्नल साहब मिल